हमारे संगठन का नाम अखिल भारतीय सामाजिक न्याय महासंघ। जी तो सर बता पाएंगे आप इसका मूल उद्देश्य क्या है, किस का उद्देश्य को लेकर तो अपन ने इसकी संगठन की रचना की है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये संगठन का फाउंडेशन कैसे हुआ, बना कैसे। जी तो इसमें जैसे हर व्यक्ति सोचता है कि समाज का भला हो, दुनिया का भला हो, और उनके कई उद्देश्य होते हैं भला के, तो मैं बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले तो भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड में हम कहें कि हर प्रकार के अच्छे सोचने वाले विचारवान व्यक्ति हैं, तो ये जो फाउंडेशन बना है अखिल भारतीय न्याय सामाजिक न्याय महासंघ, इसका उद्देश्य ही है चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, किसान हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या कोई सामाजिक पर्सन हो, या जो भी व्यक्ति हो, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग हर प्रकार से, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो, सामाजिक विकास के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में हो, इस प्रकार से सारे विकास को लेकर के ये संगठन बनाया गया है। और ये भी बताना चाहूंगा कि जैसा इसका नाम है न्यायिक महासंघ, तो न्यायिक महासंघ के लिए मैं उसको व्याख्या करना चाहूंगा जी। कि कुछ चीजों में सरकार बहुत अच्छा काम करना चाहती है हर क्षेत्रों में, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी कारणवश जो सामान्य लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको अच्छा काम, अच्छा सहयोग सरकार के द्वारा देने के बाद भी, उनके हित में कार्य योजना बनाने के बाद भी उन लोगों को वह लाभ नहीं मिल पाता, तो हमारा उद्देश्य वह भी है कि इस ओर निवेदन पूर्वक सरकार का विरोध ना करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करना। और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि सरकार अपने तरफ से करना चाहती है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपने तरफ से, चूंकि इस समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे पोस्ट में पहुंचे हुए लोग हैं, विद्वत जन हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपने तरफ से सेल्फ डिपेंड होकर के समाज का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, ऐसा भी उद्देश्य इसमें छुपा हुआ है। और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सरकार के सापेक्ष होकर के वो सारे लाभों को आम जनता को दिलाने का प्रयास किया जाता है। मुख्य रूप से तो ये जो संघ जो बना है ये वंचित वर्गों को ही लाभ दिलाने के लिए बना है। जी सर। लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण का जो दौर विश्व स्तर पर चल रहा है, तो इस पर आप राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पहली बात तो ये है कि हर संकट में ये हमारे भारत की अनेकता में एकता की विशेषता है, और हर संकट में लोग जो है, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हो या प्रशासन के लोग हो, ऐसे संकट में कई बार उदाहरण मिले हैं कि सब लोग एक साथ काम करते हैं। और अभी भी सरकार का एक उद्देश्य है कि सब लोग इस कोरोना से सुरक्षित रहें, यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे भी हो जाते हैं कि कुछ लोगों को इस प्रकार की सुरक्षा नहीं मिल पाती है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा जी। इसमें कोई शक की बात नहीं कि सरकार जो है सफाई कर्मचारियों के लिए उनको संसाधन प्रदान करने के लिए प्रयास नहीं कर रही होगी, कर रही है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ पे ऐसी चूक हो जा रही है जिसके बदलत हमारे बहुत सारे सफाई कर्मचारियों को संसाधन नहीं मिल पा रहा है जी। और वो जो है बिना संसाधन के हर जगह काम में जुटे हुए हैं। एक सैनिक की तरह मैं तो ये कहूंगा कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सैनिक है उनको भी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन ये जो सफाई कर्मचारी हैं जिनको संसाधन और सुविधाएं नहीं मिलने के बाद भी ये लोग इस प्रकार से डटे हुए हैं, जो तारीफ़ काबिल है जी। और मैं सरकार का ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन पूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन लोगों को ज्यादा जरूरत, ये हमारे समाज के जो लोग हैं सफाई कर्मचारी, ये तो एक तो ये लोग कम जानकार होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और संवेदनशीलता को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते, बेचारे बहुत समर्पित भाव से काम करते हैं, और जिनको सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता है जी। हमारे सैनिक तो बॉर्डर में हैं, उनको संक्रमण का उतना भय नहीं है, लेकिन ये लोग तो जाकर के उन जगहों में लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं जहाँ पे संक्रमण की स्थिति है, सारी गंदगियां हैं, उसके बाद भी ये लोग समर्पित भाव से संसाधन मिले या ना मिले काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार को इस पे उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा निवेदन पूर्वक कि इनकी सुरक्षा के उपाय बिल्कुल करें, और इनको निश्चित रूप से
अनिवार्य रूप से इनको संसाधन प्रदान किए जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो सावधानियां आज जरूरी है सरकार के द्वारा एहतियात के तौर पे जो उनको बरतने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे सभी लोगों को चाहिए कि वो निश्चित रूप से एहतियात बरतें, सावधानी रखें, और इसमें सावधानी ही इसका बचाव है और इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। जी जी, बीपीएन राजस्थान से चर्चा करने पर धन्यवाद सर, थैंक यू सर, ओके।